दादी नानी की बताई हुई बहुत ही कमाल के नुस्खे। सबसे पहला है, खसखस को मिक्सी में पीस रहे हैं तो इसे 10 से 15 मिनट तक गर्म पानी में भिगो कर रखें। नेक्स्ट है, यदि आप मांस को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखते हैं तो कॉम्प्रेशनों के लिए वेपर पतले स्लाइस को काटना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, नूडल्स या किसी पतले पास्ता की प्रत्येक स्ट्रिंग को अलग अलग करने के लिए उबालने और पानी निकालने के तुरंत बाद इसे ठंडे पानी में डालें। नेक्स्ट है, पनीर या केक जैसे नरम चीज़ को काटने के लिए खुशबू वाले फ्लॉक्स का उपयोग करें। नेक्स्ट है, एक कप दाल बनाने के लिए दाल के प्रकार के आधार पर कम से कम 2 से 3 कप पानी डालें। नेक्स्ट है, मिर्ची काटने से पहले अपने हाथों को वनस्पति तेल से रगड़ लें, इससे जलन नहीं होगी। नेक्स्ट है, आलू पकाने के बाद उन्हें छील ले और कुछ देर के लिए ठंडे पानी में भिगो दे, खाल एकदम उतर जाती है। नेक्स्ट है, वाइन को चिल्ड और अनडिल्यूटेड रखने के लिए उसमें फ्रोजन अंगूर डालें। नेक्स्ट है, पीसे हुए मसाले को धीमी आंच पर भूनिए ताकि इसका रंग और स्वाद बरकरार रहे। नेक्स्ट है, ग्रेवी में थोड़ी सी शादी चीनी या कैरमलाइज चीनी मिलाने से यह स्वादिष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, जब टमाटर का मौसम ना हो तो ग्रेवी में टमाटर केचप या सॉस का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ग्रेवी का रंग बरकरार रखने के लिए हमेशा पके हुए लाल टमाटर का ही प्रयोग करें, अगर कोई हरा भाग हो तो उसे हटा दें। नेक्स्ट है, अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आँखों की रोशनी तेज होती है। नेक्स्ट है, चाय पीने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को बहुत ही नुकसान होता है। नेक्स्ट है, पेशाब रोकने से लकवा होने का खतरा होता है। नेक्स्ट है, पानी हमेशा गुट गुट करके पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि खाना बनाते वक्त सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो सब्जी में थोड़ा सा क्रीम या दूध डाल दें। नेक्स्ट, इसे सब्जी में नमक की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्याज की प्यूरी बनाते समय थोड़ा सा पिसा हुआ पनीर मिला दे, इसका स्वाद बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, दाल मोट बनाने के लिए दाल भिगोते समय 1 कप दूध मिला दे, दाल फूली हुई एवं खस्ता बनेगी। नेक्स्ट है, यदि सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो 1 टुकड़ा आलू छीलकर काटकर डाल दे और सब्जी को थोड़ा सा गर्म करें तो सब्जी में नमक की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है, अंडे को उबालते समय अंडे में थोड़ा नमक या सिरका डालें, इससे अंडा अच्छी तरह और जल्दी उबल जाएगी। नेक्स्ट है, अगर चीनी के अंदर बहुत सी चींटियां हो तो वह आसानी से बाहर निकालने के लिए उसमें 1 टुकड़ा कपूर डाल दे, इससे चींटी आसानी से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए चावल पकाने, सब्जी उबालने, दाल बनाने आदि के लिए कुकर का इस्तेमाल करें, इससे आपका समय और गैस दोनों की बचत होगी। नेक्स्ट है, सब्जियों को काटने के लिए पीलर का इस्तेमाल करें, ना कि चाकू का, इससे सब्जियों को छीलने में लगने वाला समय आधा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्राई फ्रूट्स को 1 डिब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रखें, इससे आपके ड्राई फ्रूट्स लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट है, जब भी आप कोई भी सब्जी या दाल बनाते हैं तब उसमें 1/4 छोटा चम्मच चीनी डाल दें,
इससे आपकी दाल और सब्जी का टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, बारिश के दिनों में दालों और चावलों में बहुत जल्दी खून लग जाते हैं, इसके लिए आप इसमें तेजपत्ता और खड़ी हल्दी डालकर रखेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है, बादाम का छिलका अगर आसानी से नहीं उतरता है तो उसे गर्म पानी में 1 घंटा के लिए भिगोकर रख दे, छिलका तुरंत निकल जाएगा। नेक्स्ट है, बेसन के लड्डू बनाते समय यदि उसमें थोड़ा सा मूंग दाल का आटा मिला देंगे तो लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। नेक्स्ट है, बारिश में अक्सर नमक में नमी आ जाती है, इससे बचने के लिए नमक में कुछ दाने चावलों के डाल दें, इससे नमक में सीलन नहीं आएगी। नेक्स्ट है, अगर फ्रिज में बदबू आ रही है तो एक नींबू ले और उसे बीच में से काट कर फ्रिज में अलग अलग ऊपर नीचे रख दे, बदबू गायब हो जाएगी। नेक्स्ट है, आलू को काट कर पानी में रखे और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दे, इससे आलू काले नहीं होंगे। नेक्स्ट है, किचन में चींटियां दिखाई दे तो चींटियों वाली जगह पर थोड़ा सा आटा छिड़क दे, इससे चींटियां चली जाएगी। नेक्स्ट है, सब्जी में मिर्च अधिक हो जाए या सब्जी तीखी हो जाए तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दे, इससे सब्जी का तीखापन चला जाएगा। इस तरह से दादी और नानी के बताए हुए कुछ नुस्खे हैं। धन्यवाद।